यदि संसार में आपको भाव सागर से पार जाना है और जिंदगानी सफल बनानी है तो काम करते रहो और नाम ना भूलो। कैसे नाम जपे काम के समय, मैं करके बताता हूं। कैसे करना चाहिए? सबसे पहले जब हम सोकर उठें तो हमें क्या करना चाहिए? हम पहले तो ये निश्चित करें कि हमें उठना कब है। हमें कब उठना चाहिए? सूर्योदय के पहले। सूर्य उदय के पहले जो लोग उठ जाते हैं, जिस घर के लोग उठते हैं, कहते हैं सूर्य उदय के पहले आपके घर में झाड़ू लग जाए, आपका मेन गेट खुल जाए, खिड़कियां खुल जाएं और सूर्य का पहला प्रकाश यदि आपके घर पे आया तब तो आपके घर में सुख शांति और समृद्धि की कभी कमी हो नहीं सकती। जीवन में दुख वो लोग पाते हैं जिनके 7 बज गए, सूर्य भगवान आ गए, अभी तक दरवाजा नहीं खुले, खिड़कियां नहीं खुली, सो रहे हैं, राक्षस राज अभी सो रहे हैं। 7 बज गए, सूर्य भगवान सिर पे चढ़ रहे हैं, अभी तक आप सो रहे हैं। क्या ये हमारी सभ्यता, हमारा संस्कार है? ना, हमारे संस्कार हैं जब हम छोटे थे ना, ये दास अपनी बात कर रहा है, जब हम 10 वर्ष के थे तब हम मंदिर में पूजा करते थे। हम मंदिर में, हमारे पिताजी मंदिर में पुजारी थे, एक मंदिर की पूजा करते थे। तो हम जब 10 साल के थे तब हम 4 बजे स्नान करके 5 बजे पूजा खत्म करके और 5 से 6 बजे तक मैं सुंदर कांड का रोज पाठ करते थे, हनुमान चालीसा का रोज पाठ करते थे, रोज रोज पाठ करते थे। 6 बजे सवेरे 6 बजे मंदिर की पूजा और पाठ करके बाहर आ जाते थे अपने काम के लिए, और 6 बजे बाहर आकर गाय के लिए घास लेने के लिए खेत चले जाते थे, चारा काट करके गाय को खिलाते थे, फिर नाश्ता करते थे, फिर रोटियां, नाश्ते में रोटी और अचार खाते थे, हाँ कभी गुड़ भी खा लेते थे रोटी के संग। ये दिनचर्या थी। पहला काम हमारा भगवान को धन्यवाद देना होना चाहिए, गौ सेवा होनी चाहिए। ये हमारे संस्कार, हमारा रक्त, हमारे हमारे रक्त में है ये। बिना पूजा किए अच्छा ही नहीं लगता, तो क्या करो, सूर्य उदय के पहले। सूर्य भगवान कब उदय हो रहे हैं? लगभग आप 5:30 बजे बिस्तर त्याग दो। बिस्तर त्यागने के पीछे भी कारण कैसा है, कैसे त्यागना है, डायरेक्ट उठ के चलना नहीं है। सबसे पहले जैसे ही आपकी आंख खोले, आंख खोलते ही राम नाम ते ही सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा, यही सन हठ करी हूं पहचानी, साधु ते हो ही न कारज हानि। हनुमान जी जब लंका में गए और विभीषण की कुटिया पर गए तो विभीषण सवेरे 4 बजे जागे, और जागते ही उन्होंने क्या बोला, राम, अर्थात आप जब जागे तो जागते ही राधे कृष्ण सीताराम श्रीमन नारायण, भगवान का नाम हरे कृष्ण 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 हरे जपें, भगवान का नाम लेते हुए बिस्तर से उठें, उठकर बैठ जाएं, बिस्तर पर सीधे पड़े थे उठ के बैठ गए, बैठकर क्या करना है, भगवान का नाम, हे प्रभु आज का दिन आपने दिया उसका धन्यवाद। फिर दोनों हाथ का ऐसे मंथन करना चाहिए, और जब हाथ गर्म हो जाए तो फिर हमें हथेली को ऐसे खोलना चाहिए, खोलने के बाद हमें एक मंत्र पढ़ना चाहिए। मंत्र याद ना हो तो आप ऐसा करो, कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर के अग्रभाग में लक्ष्मी का वास होता है यहाँ। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, यहाँ सरस्वती का वास होता है, और पूरे हाथ में भगवान कृष्ण का, नारायण का वास होता है।
कर मूले तो गोविंद। तो दोनों हाथों का मंथन यहाँ लक्ष्मी का ध्यान सवेरे करेंगे तो आपके घर में लक्ष्मी आएगी, सवेरे से ध्यान होगा। सरस्वती का चिंतन करेंगे तो आपकी वाणी से दिन भर कोई गलत शब्द नहीं निकलेगा, गलत वाक्य नहीं निकलेगा, गलत विचार नहीं निकलेंगे, आपकी वाणी से कोई दुखी नहीं होगा। और गोविंद का ध्यान करेंगे, मेरे नारायण मेरे कृष्ण का ध्यान करेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। तो पहले दोनों हाथों का मंथन करके दर्शन करें, फिर दोनों हाथों का मंथन करके जब हाथ गर्म हो जाए तो अपने चेहरे पर लगाएं, अपने नेत्रों पे वो हाथ लगाएं, और उसके बाद सबसे पहले उठकर आप अपने बच्चों को ये चीजें समझाएं। सबसे पहले उठकर आप पृथ्वी माता को प्रणाम करें, पृथ्वी माता को, हे पृथ्वी माता आपका धन्यवाद, आपने हमें एक अवसर दिया है, आपके ऊपर हम कितना पाप करते हैं, हाँ मल मूत्र जैसी गंदगी त्यागने के लिए हम मजबूर हैं, माँ हमें क्षमा करना, पृथ्वी माँ को प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद आप अपना पांव बिस्तर के नीचे रखें, हाँ उसके बाद बिस्तर के नीचे पांव रखें, और सबसे पहले सवेरे बढ़िया सा पानी पेट भर के पीना चाहिए। मैं थोड़ा स्वास्थ्य की बात भी आपके लिए कर दूं, बच्चों को तो जानकर रात के तांबे का बर्तन जानते हैं कॉपर, तांबे के लोटे में धुलकर पानी भर दो, उसे ढक दो, और वही तांबे के बर्तन में जो रात भर से पानी पड़ा था उस पानी को सवेरे बच्चों को पिलाओ। वो तांबे के पात्र का जब पानी बच्चे पिएंगे तो वो बच्चों की बुद्धि प्रखर होगी, बच्चे प्रखर बुद्धि वाले होंगे। यदि आपके घर में चांदी का सिक्का है तो आप लोटे पर चांदी का सिक्का भी डाल सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं, चांदी का सिक्का जब लोटे पर डालेंगे और उसमें पानी भरेंगे, पानी का स्पर्श चांदी और तांबे से जब होता है तो पानी शुद्ध हो जाता है, पानी के दोष समाप्त हो जाते हैं और पानी की शक्ति बढ़ जाती है। अरे फिल्टर करने वाली मशीनें जो आपने घर में लगवा रखी हैं आरओ, ये क्या करते हैं, ये पानी वेग से जाता है, टकराता है, टकराने से पानी की शक्ति घटती और बढ़ती है। सबसे ज्यादा शक्तिशाली पानी कौन सा, झरने का पानी, गंगा का पानी शक्तिशाली क्यों है, क्योंकि वो हजारों किलोमीटर की यात्रा करता है, पानी पत्थर से टकराता है, उसकी शक्ति बढ़ जाती है। तो चांदी और कॉपर की जब पानी स्पर्श करता है तो उसकी शक्ति बढ़ जाती है। वो पानी आप अपने बच्चों को पिलाएं, आप पिएं, एक लीटर पानी सुबह बच्चों को पिलाएं उठकर, और बच्चों को जब पानी पिलाएंगे पेट में पानी जाएगा तो पेट की सारी गंदगी साफ होगी, आप अपनी क्रियाओं से निवृत्त हों। और उसके बाद आप स्वच्छ कपड़े पहने और सबसे पहले हिंदू परंपरा के अनुसार एक लोटे में जल भरें, तांबे के लोटे में, और सबसे पहले बच्चों के हाथ से एक लोटा जल सूर्य भगवान को चढ़वाएं, जिसकी बुद्धि बिल्कुल शून्य है, जिन बच्चों की बुद्धि कम है या शून्य है, ऐसे बच्चे यदि जल चढ़ाएं तो उनकी बुद्धि प्रखर हो जाती है सूर्य नारायण की कृपा से। आप सभी बच्चों को, हम सब हिंदुओं को, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, बालक हो या बालिका हो, सबको सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। कैसे चढ़ाएं, ओम सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भौमाय नमः, खवा खगाय नमः, भास्कराय नमः, सूर्य भगवान के द्वादश नाम आप ले लीजिए और जल चढ़ाइए, सूर्य भगवान को प्रणाम कीजिए, खड़े खड़े सात बार घूम जाइए, प्रदक्षिणा कीजिए, सूर्य भगवान की सात परिक्रमा होती है, सात प्रदक्षिणा कीजिए सूर्य भगवान की। और उसके बाद यदि आप पति पत्नी में कोई खटापटी चल रही है, झगड़ा चल रहा है, तो आप भी जल चढ़ाएं सूर्य भगवान को, पर उसमें आप थोड़ा सा गुड़ डाल लें, गुड़ मीठा पानी, जब मीठा जल चढ़ाएंगे सूर्य भगवान को तो आपके रिश्तों में मिठास बनी रहेगी। और मैं आपको बता दूं कि आप अपने बच्चों को जो जल चढ़वाएं वो सादा जल ना चढ़वाएं, उसमें थोड़ी कुमकुम डाल लो, रोली लाल कर लो पानी को,
लाल पानी सूर्य भगवान को चढ़ाओ, रंगीन पानी सूर्य भगवान को, या चंदन घिसके डाल लो, एक केसर का पत्ता डाल लो, ऐसा रंगीन पानी जब सूर्य भगवान को चढ़ाएंगे तो आपके जीवन में भी नाना प्रकार के भक्ति के रंग, प्रेम के रंग, ज्ञान के रंग चढ़ेंगे। हाँ, तो सूर्य भगवान को प्रणाम करो, उसके बाद आप अपने घर से जो आपके मंदिर हैं घर पे, ठाकुर जी को बढ़िया पूजन करो, एक थाली साफ करो, थाली में बढ़िया सा एक स्टार बनाओ, चंदन का स्टार बनाओ, चंदन से स्टार बनाओ, उस स्टार चंदन से स्टार बनाकर बीच में ओम 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 लिखना चाहिए, और फिर जो खंड बचेंगे ना स्टार बनाएंगे तो बीच में ओम लिखेंगे, आजू बाजू जो खंड बचेंगे उनमें आपको लिखना है, या तो आप लिखें श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः, या तो आप लिखें श्रीमन नारायण, है ना, आपके जो भी इष्ट हैं उनका नाम लिखें श्री राधा, एक एक खंड में लिखें श्री, फिर एक में रा, फिर धा, फिर राधा हो गया, फिर श्री कृष्णाभ्याम नमः, ऐसा लिखें, श्री सीतारामाभ्याम नमः भी लिख सकते हैं, ऐसा लिख के फिर लड्डू गोपाल जी को उस पर बिठाओ, ठाकुर जी आपके घर पे होंगे ना लड्डू गोपाल जी, आपने जब वो स्टार पर ये सब बना लिया तो वो यंत्र बन जाता है, उस यंत्र को जल डालकर पहले प्रणाम कीजिए, जल डाल के प्रणाम करके फिर उसे आप प्रेम से प्रणाम कीजिए, और प्रणाम करके फिर ठाकुर जी को बिठाइए, ऐसे देखिए टीवी पे दिख रहा है, ऐसे आपको बनाना है, ऐसे आपको बना के ओम, फिर उसमें तुलसी का पत्ता चढ़ाइए लिख करके सब में, और फिर उसको प्रणाम कीजिए, जल चढ़ाइए, तुलसी चढ़ाइए, ये एक यंत्र बन गया, और इसे प्रणाम कीजिए, फिर इसके ऊपर ठाकुर जी को बिठाइए, गोविंद को बिठाइए, बिहारी जी को बिठाइए, और बिठाकर फिर उन्हें स्नान कराइए, प्रेम से स्नान कराइए, कैसे स्नान कराए, ऐसे स्नान कराए, और बोलते रहिए श्रीमन नारायण नारायण नारायण, कुछ नहीं आए तो नारायण नारायण कीर्तन करते श्रीमन नारायण नारायण, ऐसे जल चढ़ाओ, जल चढ़ाने के बाद भगवान को अपनी गोद पर बिठाओ, अपनी गोद पर बिठाकर बड़े प्रेम से उन्हें बढ़िया कपड़े से पोंछो, साफ करो, बच्चे को भी आप नहला के पोंछते हैं, बच्चे को बढ़िया पोंछिए, उन्हें साफ करिए, और जब भगवान को आप बढ़िया से साफ करें उसके बाद उन्हें उनकी आसन पर बिठावें, और आसन पर बिठाने के बाद उनको फिर बढ़िया से वस्त्र पहनावें, और वस्त्र पहनाने के बाद उनका श्रृंगार करें, श्रृंगार करने के बाद जब पूरा श्रृंगार हो जाए तो ठाकुर जी को दर्पण दिखावें, है ना, फिर भगवान जी को दर्पण, आप लोग भी दर्पण देखते हैं कि नहीं, ऐसे ही ठाकुर जी को दर्पण दिखाना चाहिए, प्रभु देखिए आज दास ने आपका ऐसे श्रृंगार किया है, ये आपका श्रृंगार है, ऐसे दर्पण दिखाओ भगवान को, हाँ भगवान को बढ़िया सा दर्पण दिखाओ, भगवान को दर्पण दिखाकर फिर उनको प्रणाम करो, और प्रणाम करते हुए कहो त्वमेव माता, बोलो मेरे संग सभी लोग, बोलो त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हाथ जोड़कर भगवान से कहो हे प्रभु आप ही हमारी माँ हैं, हे प्रभु आप ही हमारे पिता हैं, हे गोविंद आपके सिवा हमारा इस सृष्टि में कोई नहीं है, हे प्रभु माना कि मैं अपराधी हूँ, माना कि मैं पापी हूँ, पर मुझे स्वीकार करना आपका ही काम है भगवान, हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं, एक बार जरा सभी बोलिए हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं, हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं, हे प्रभु मैं सदा आपका स्मरण करता रहूं, सदा आपका चिंतन करता रहूं, हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं, ऐसी हमें प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान को प्रणाम करना चाहिए, बढ़िया सी आरती उतारनी चाहिए, बढ़िया सा भोग लगाना चाहिए, और बढ़िया आरती उतार कर देखो भोग भगवान को, कई लोग ना भोग ऐसी रख देते हैं, ऐसे नहीं, भगवान को एक एक
तोड़ करके जैसे हम बच्चों को खिलाते वैसे हमें खिलाना चाहिए, भोग ऐसे लगाना चाहिए। खिलाओ पांच बार, कम से कम पांच कौर तो खिलाओ, खिलाओ भगवान को। खिलाने के बाद फिर आचमनी से जल घुमाओ, भगवान को पानी पिलाओ, है ना, पानी पिलाओ भगवान को, बढ़िया पानी पिला के उनका मुंह पोंछो, बढ़िया कपड़े से ऐसे मुंह पोंछो भगवान जी का। मतलब भगवान को अपनी तरह प्यार करना है, बालक की तरह प्यार कर। माँ यशोदा क्या करती, गोद में बिठाती, खिलाती पिलाती, मुंह पोंछती थी। हमें भी वही स्नेह रखना भगवान से। भगवान प्रेम की तो भूखे हैं, वो वस्तुओं के सोना चांदी, जिनके पांव लक्ष्मी दबा रही हैं उन्हें हम क्या पैसा देंगे, उन्हें हम क्या सोना चांदी देंगे। भगवान प्रेम चाहते हैं, सोना चांदी नहीं चाहते। प्रेम से कोई पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेच्छति, प्रेम से खिलाओ तो सही, भगवान तो सब खाएंगे। प्रेम से खिलाओ, जूठा खिलाओगे तो शबरी माँ ने जूठे बेर खिला दिए। हाँ सब खाते हैं, प्रेम होना चाहिए। अरे मेरा आपसे प्रेम है ना तो मैं आपके घर बासी रोटी भी खा लूंगा, और प्रेम नहीं है तो छप्पन भोग आप दे देना, हमें पसंद नहीं आएंगे। तो आप और हम जब प्रेम के भूखे हैं तो भगवान क्या वस्तुओं के भूखे हैं, वो प्रेम चाहते हैं, आपका स्नेह चाहते हैं।